आज सीखेंगे इंग्लिश सेंटेंस। L E T, let, M E me, G O go, let me go। go का हिंदी अर्थ होता है जाना, me का मतलब होता है मुझे, और let का ऐसा भाव होता है ऐसा करने दो। इसका हिंदी अर्थ होता है मुझे जाने दो। L E T, let me sleep। Let me sleep का मतलब होता है मुझे सोने दो। Let her go, उसे जाने दो। L E T, let, T H E M, them, C O M E, come, I N, in का मतलब हो गया अंदर, come का मतलब हो गया आना, them का मतलब हो गया उन्हें अंदर आने दो। Let me know अबाउट हिम का मतलब हो गया बारे में, नो का मतलब हो गया जानना। लेट मी नो अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में जानने दो। लेट मी सी, सी का मतलब हो गया देखना। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी फिनिश, एफ आई एन आई एस एच, फिनिश, फिनिश मतलब पूरा, मुझे पूरा करने दो। लेट रोहित डू इट, इट मतलब यह, डू मतलब करना, लेट रोहित डू इट, रोहित को यह करने दो। लेट मी बाथ, बाथ मतलब नहाना, मुझे नहाने दो। लेट हिम रीड, रीड मतलब पढ़ना, हिम मतलब उसे, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रन, रन मतलब दौड़ना, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। लेट हिम प्ले, प्ले मतलब खेलना, उसे खेलने दो। लेट हिम टीच, टीच मतलब पढ़ाना, लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो। लेट मी रीड हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ने दो। लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने दो।